क्या निफ्टी फिर से एक बार 20,000 टच कर सकता है या क्रॉस कर सकता है? क्या फिर से एक बार निफ्टी 20,000 के पास जा सकता है? आज का सेशन काफी अच्छा रहा, 28 नवंबर का। आप देख सकते हो मार्केट काफी दिन से एक ही रेंज में, इस रेजिस्टेंस से बार 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 रिजेक्शन ले रहा था और एक ही रेंज में घूम रहा था। मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन डाउन साइड जो हमारा मेजर सपोर्ट था बैक साइड में, अब भी आप देखो तो मेजर सपोर्ट से वहां से रिटेस्ट करके डाउन साइड नहीं गया। दैट्स वाई यहाँ पे कोई डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनता था, ठीक है। तो अब बार बार अगर आप देखोगे तो आज का जो सेशन रहा काफी अच्छा सेशन था, जहां पे हमें एक बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के साथ साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल थी 19,875, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल थी निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे काफी दिनों से यहाँ पे मार्केट 4 से 5 बार मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, 4 से 5 बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इस जोन पे 19,875 के रेंज पे। तो आज हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और क्लोजिंग भी यहाँ पे हमें अपसाइड मिला है निफ्टी में। तो निफ्टी का अगर मैं चार्ट एनालिसिस अगर आपको बताऊं, तो चार्ट एनालिसिस में आपको ये देखने को मिलेगा कि निफ्टी में अभी अपसाइड में रेजिस्टेंस कौन सा है। रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो जो रेजिस्टेंस हमारे लिए बन रहा है वो 20,000 के आसपास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। 20,050 का हमारे पास निफ्टी का रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस। अब निफ्टी ने हमारे इंपॉर्टेंट लेवल 19,875 के ऊपर क्लोजिंग तो दिया है, लेकिन अगर हम इसमें आने वाले एक्सपायरी में अगर ट्रेड देखते तो किस टाइप से हमें ट्रेड बनता है, तो यहाँ पे अभी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है या अपसाइड में भी खुलता है तो हमें एक रिटेस्ट का वेट करना है। जब मार्केट रिटेस्ट करके फिर एक बार यहाँ से बाउंस बैक करेगा इस लेवल से, तो हम इसको सेफ साइड ब्रेकआउट ट्रेड बोलेंगे, और लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर हम इसको होल्ड करेंगे अप टू 20,000 निफ्टी के लिए, ठीक है। निफ्टी 20,550 के लिए अगर हम होल्ड करना चाहते हैं, तो मैंने बताया आपको, आपको यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना है एक रेड कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में, उसके बाद आपको यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। अपसाइड के लिए ट्रेड लेने के लिए मेजर जो सपोर्ट हमारे लिए कल के डेट पे रहेगा 19,875 का आपके लिए मेजर सपोर्ट है, और अगर थोड़ा और डाउन आता है तो 19,800 का हमारे पास मेजर सपोर्ट है, जिसके पास आसपास आप फिर से एक बार बाइंग लेवल के लिए जा सकते हो। तो निफ्टी का जो ट्रेड मैंने बताया, लॉजिकली सेटअप भी यही बोल रहा है कि अभी मार्केट बुलिश है, बुलिश ट्रेड में जो सेटअप बन रहा है वो निफ्टी का है। सी साइड आप जा सकते हो जब आपको दिखे कि मार्केट फिर से एक बार इसी लेवल पे आसपास सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। आपको वेट करना है कि मार्केट एक बार फिर से इसी लेवल के आसपास ओपन हो, और यहां से हमें कोई एक सपोर्ट दिखे 1 आवर टाइम फ्रेम में, रिटेस्ट करके एक बार मार्केट फिर इसे हाई को ब्रेक करे 19,900 के, उसके बाद हम 100 पॉइंट्स के लिए निफ्टी को होल्ड कर सकते अप टू 20,000। और लॉजिकली मैं आपको बताऊं तो 20,000 निफ्टी को जाना ही है, क्योंकि निफ्टी जा सकता है 20,000। यहाँ पे आप देखोगे तो मेजर सपोर्ट निफ्टी का 20,000 का ही है। अभी हमारा बिग रेजिस्टेंस यही जोन है। एक बार ये जोन क्लियर हो जाता है तो मार्केट और एक बार इस गैप को फिल कर सकता है, और एक बार हमारा 20,200 का निफ्टी हाई लगा सकता है। क्या आप फिर से एक बार रेडी है ट्रेड करने के लिए निफ्टी में? तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपका व्यू, क्या निफ्टी 20,000 क्रॉस कर पाएगा? अगर हाँ तो यस बताइए, अगर नहीं तो आपका क्या लॉजिक बोलता है, क्या सेटअप बोलता है, आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। थैंक यू।